रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश 65 साल का हो गया है। इन 6.5 दशकों में मध्य प्रदेश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तो विकास की एक नई इबारत भी लिखी है। बीते 1.5 साल से कोरोना जैसी महामारी को झेला भी है, लेकिन मध्य प्रदेश अपनी उम्र और अनुभव के बलबूते पर एक बार फिर खड़ा हो गया। प्रदेश फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के जन्म को लेकर बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं, तो कुछ विचित्र संयोग भी है। इन सभी दिलचस्प किस्सों को वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दीपक तिवारी ने अपनी किताब राजनीतिनामा मध्य प्रदेश में बाखूबी रेखांकित किया है। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का जन्म हुआ तो अमावस्या की रात थी। तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को आधी रात को राजभवन में शपथ दिला रहे थे। तभी किसी ने कहा कि आज तो अमावस्या है, लेकिन रविशंकर शुक्ल झिझके नहीं बल्कि तपाक से कहा, तो क्या हुआ, हजारों दिए भी जल रहे हैं। इत्तेफाक से उस दिन दीपावली भी थी। और इस तरह प्रदेश के पहले लेकिन अब तक के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री ने शपथ ली। मध्य प्रदेश की स्थापना को लेकर एक विचित्र संयोग ये भी है कि राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 267 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की। मध्य प्रदेश के बारे में सिर्फ इतना तय किया गया कि जो छोटे राज्य थे उनके बचे हिस्सों को जोड़कर एक नया प्रदेश बना दिया गया। जब इस नक्शे को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये क्या ऊंट के जैसा राज्य बना दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश का नक्शा ऊंट के जैसा ही दिखाई देता था। छत्तीसगढ़ का गठन भी 1 नवंबर को ही हुआ। छत्तीसगढ़ 21 साल का हो गया है। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने 3 साल सरकार चलाई और उसके बाद बीजेपी सरकार में डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए 15 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथ में छत्तीसगढ़ की कमान है। सन 1956 में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तब इसमें पुराने मध्य प्रदेश के 14 जिले, मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और राजस्थान की सिरोंज तहसील को शामिल किया गया। रविशंकर शुक्ल से लेकर अब तक 18 नेता यहां के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दिलचस्प बात ये कि प्रदेश के सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री 80 साल के रविशंकर शुक्ल थे, तो सबसे युवा मुख्यमंत्री उनके पुत्र 44 साल के श्यामाचरण शुक्ल बने थे। सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड शिवराज सिंह चौहान के नाम है, तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नाम। मध्य प्रदेश 65 साल के अनुभव के साथ आगे बढ़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ 21 साल के युवा जोश के साथ कामयाबी की इबारत लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देश का हृदय कहलाने वाला